आज फिर मैंने एक मम्मी की साड़ी ले ली है और थोड़ा सा तैयार हो रही थी और आज कुछ होने वाला है स्पेशल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। बट लेकिन ये मुझे ये नहीं पता कि मैं शाम तक तैयार रह पाऊँगी कि नहीं रह पाऊँगी। अभी गन्नू मेरे सो गए हैं, अच्छा खासा खेल के अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्पल का, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पता है आप खुद देख रहे हो ना, लगाने में ना बहुत ज़्यादा ईजी है। और लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स के दूंगी। और आज मैंने अप्लाई किया है ये जो मैंने आपको पहले बताया था, ये है गुड वाइब्स का गोल्ड ब्राइटनिंग जेल मास्क, नो पैराबेन, नो सल्फेट और क्रुएल्टी, पूरी तरीके से फ्री है। मेरा मन कर रहा था कि कुछ मैं अप्लाई करूँ जिससे कि फेस थोड़ा सा डल ना रहे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो आप ना थ्रेडिंग नहीं कराते हो तो आपका फेस सच में डल फील करता ही है। पता नहीं कैसे, मतलब हो ही जाता है कि आपका जो फेस है बहुत ज़्यादा डल फील करता है। और बालों का भी थोड़ा सा, मेरे पता नहीं क्या, यहाँ का पानी शायद सूट नहीं करता, मेरे बाल थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो मैं कल देखूँगी। और ये इस तरीके से आपकी ये पूरा गोल्ड जेल के रूप में आता है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये इस तरीके से आता है। आज मैंने दीदी को भी दिया कि आप अप्लाई करके देखो, मज़ा आएगा इसको लगा के। और सीरियसली इसको लगा के बहुत मज़ा आता है, मतलब फील आता है कि हाँ आपने कुछ अच्छा गोल्ड पैक लगाया हुआ है। और आपको पता ही है करवा चौथ आने वाली है, तो अभी पता नहीं मैं फेशियल करा पाऊँगी या नहीं करा पाऊँगी, अभी मेरे को याद नहीं है। बस ये लग रहा है कि इस बार मेरी मेहंदी सही से लग जाए, जैसे हर बार मेहंदी सही से नहीं लगती है। इसके अलावा मैं आपके साथ अगर आज शेयर करूँ तो ये बहुत ही छोटे छोटे से ये हैं आपके, तो ये हैं बहुत ही छोटे छोटे एस क्यू की, ये हैं आई शेडो ये, और मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि आप इसको कहीं भी रख सकते हो। आपको पता है मैंने कभी आई शेडो सही से अप्लाई किया नहीं है, बट आज मैं कोशिश करूँगी आई शेडो अप्लाई करने की, जिसमें आपको मेरे मैं जो आपको कलर दिखा रही हूँ वो आपको ये आपको ब्लू और यही आई थिंक मैच करेगा ना, इससे ये अप्लाई कर सकती हूँ मैं। और ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये कॉपर सा कलर है। और ये गोल्डन, तो इसमें से एक आई शेडो लगाते हैं चलो, और लिप शेड एक लगाते हैं। मेरे पास वैसे ये कलर लगा हुआ है, वो कलर लगा लेती हूँ। और ये क्या है, पर्पल का ये है मेरे पास में लाइनर, आज मैं लाइनर लगा के देखती हूँ। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। करवा चौथ आ रही है, सेल अच्छी चल रही है, तो अगर आप चाहो तो अपने लिए सेल से ऑर्डर कर सकते हो। ये लाइनर लगाना ना मेरे लिए हमेशा से बहुत ही बर्बाद वाली चीज़ होती है, लेकिन फिर भी आज मैं अप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। सामने से रीत देख रही है, वो सोच रही है मौसी लगाएगी कैसे। ये पता है मैं लाइनर क्यों नहीं लगा पाती, क्योंकि मैं आर्ट में ना बहुत ही ख़राब थी। नहीं मौसी, मुझे दूसरों में आर्ट का होता है, अच्छे से लगा लेती हूँ। ये देखो लग तो गया वैसे थोड़ा सा, ये अब सेकंड वाले में देखते हैं। नहीं लगेगा, लाइनर कितना भी अच्छा हो मेरे हाथ में मैं उसको बर्बाद ही कर देती हूँ। पर्पल का लाइनर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सारी चीज़ें वहाँ से चेक कर लेना। लाइनर छोड़ो, मैं बस अपना काजल ही लगा लेती हूँ, वही मेरे लिए परफेक्ट है, आई एम सडम वाला, और यही मुझे अच्छा लगता है। और अभी मैं जा रही हूँ, काजल लग गया, लाइनर भी हटा लेती हूँ। मैं आज आपको डल दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कि मेरे को आज फेस से ही डल 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 जैसा फील दे रहा है, इसीलिए मैं आपको डल डल दिखाई दे रही हूँ। और ये साड़ी मैंने पहनी तो है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। हाँ पापा आ रहे हैं, हम दे देंगे, ये देख लो कलर बहुत प्यारा है। हाँ क्या करना है, ए साहब साहब काम कर रहे हैं, कैसे सुने हैं? ए रीत, यहाँ इंची टेप से क्या नापेंगे? आपका
कपड़े। ये क्या नापने जा रहे पापा? जाओ। क्या करेंगे? क्या मंगाना है आपको अपने लिए? छत्तीस नंबर। एक जींस पैंट अपन लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? गुड, बिल्कुल सही। मैं लेके आऊंगा बढ़िया वाली मूवी। ठीक है, लाड़न पहनने में है? हाँ हाँ बिल्कुल, हम लेके आएंगे। हाँ हाँ सब समझ गया। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी हो? हाँ 36। कलर बिल्कुल साफ लाना। कौन सा कलर बता दीजिए? कौन सा कलर? व्हाइट हो तो ठीक है ना, व्हाइट के उसके व्हाइट से मिलता जुलता है। व्हाइट नहीं, सोबर कलर। क्या बात कर रहे हैं, व्हाइट पहनेंगे क्या? व्हाइट नहीं तो व्हाइट पे एक रंग मान बिल्कुल बढ़िया। हाँ, जैसे कि ये वाला बेल्ट का कलर हो गया। यस, अभी हम जाएंगे तब आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, ये देखो मिल गई मुझे मम्मी की चूड़ी। मम्मी का साइज बड़ा है। अच्छा, मम्मी का हाथ हमसे थोड़ा मोटा है, क्योंकि हम बाकी मोटापा तो मुझे आ गया, लेकिन अभी मेरा वो नहीं मोटा हुआ, हाथ वाथ नहीं मोटे हैं अभी। ये लो, हो गए, रख दिया मम्मी की। मम्मी चूड़ी खूब ले लेके रखी है, क्योंकि यहाँ दुकान पे देने वाला आ जाता है ना, दरवाजे पे खूब आते हैं चूड़ी देने वाला। मम्मी खूब इकट्ठा करके रखी है। अरे तो धरे हैं तो ठीक है। ये वाली देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो, ये नहीं हम भी कहाँ पहनते। ये देखो, वो ब्लैक है। नहीं पापा, हमें नहीं, वहाँ है मेरे पास में। नहीं नहीं, एक दूसरे पास है जब मन पहनते हैं। हम तो आज इसमें मैचिंग पहन रहे हैं। ये देखो, ये अच्छी लग रही है, ये वाले क्रीम वाली मम्मी की रखती। तो पापा के लिए जीन्स लानी है। ठीक है, फिर करवा चौथ पे पहनेंगे। ठीक, पक्का। हम वहीं से वीडियो कॉल कर देंगे, फिर आप देख के बताइएगा। ठीक है, ये लो। मम्मी की सारी चूड़ियाँ इसके अंदर रखी रहती है, उठना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। मम्मी सारी चूड़ियाँ यहाँ पे रखती हैं। ये देखो मम्मी पहन ली हमने। हाँ, यही तो मिली। इसके साथ मैच कर रही थी ना, हरी हरी। यहाँ से हरी हरी भैया आया है, मैं भाग जाऊँ जरा। ये लो, मैं तैयार होकर वीडियो बना रही हूँ, और एक्चुअली मैं ज्वेलरी का वीडियो बना रही थी। और तैयार होना तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सच्ची बताऊँ बड़ा हेडेक वाला काम होता है। और यहाँ पे ये देखो, मेरी ये छोटा मेरा पूरा हेल्प कर रहा है। और इसको पता है फीवर हो गया था, तो इसलिए यहाँ पे वो जो बहुत सारे लोगों को हो जाता है ना फीवर के बाद, यहाँ पे दाने निकल आते हैं, तो उसको दाने निकल आए हैं। तो वो ना अभी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई है, कह रही है कि यार मेरा फेस ख़राब हो गया है। उसको ज्वेलरी इतनी पसंद है कि यहाँ पे उसने लगाई है। वो सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए बैठी है कि मेरे को ना बहुत अच्छा लग रहा है मौसी, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। और ये वाला वीडियो आपको मिलेगा ऋषिकेश पे। मे भी शायद ये वीडियो भी ऋषिकेश पे जाएगा, मुझे नहीं पता है, तो वो वीडियो ऋषिकेश पे मिलेगा, ज़रूर देख लीजिएगा। तो मैं जल्दी से हॉल वीडियो बना के आपसे मिलती हूँ ब्लॉग में। और ये देखो अच्छी लग रही मम्मी की चूड़ी, हरी हरी सी, ऐसा लग रहा है सावन आ गया है। और ये लो, बातों बातों में मैं आपको बता दूँ, जो मैं आपको सरप्राइज़ देने वाली थी उतार रही हूँ, तब तक बता देती हूँ। वो ये कि आज मैं जा रही हूँ लखनऊ, और आज है 31 अक्टूबर, और करवा चौथ है आई थिंक 4 तारीख की। तो बस अभी हम जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे 3 तारीख को, और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे करवा चौथ मनाएंगे। हाँ, इस बार मैं करवा चौथ यहीं पे मनाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। तो वहीं पे वो एक्चुअली आपको पता है ना, वहाँ पे घर पे भी काम चल रहा है, और मेरे भी कुछ पैकेट्स आए हुए हैं, इसलिए मुझे लखनऊ जाना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जाएंगे, जल्दी से फिर से वापस आएंगे, और बस चलो जल्दी से वीडियो कॉल बना के आती हूँ।
अभी वीडियो बन रहा है। मम्मी आई स्टाइल में लगा था, मम्मी कह रही थी इमा ऐसी बन रहा है कब मेरे आगे बात सफेद है का थोड़े थोड़े हैं क्यों लगा नहीं रहा है। हम लगा देंगे अकेला कब कल ये तो बाल हुई वो तो अलका दी से लगवा लो। हम मेहंदी का पैकेट लाए तो है वही गोल के लगा लेना बस बस ऐसे। हाँ बस उसमें कुछ नहीं मिलाना, पानी मिला के गोल के लगा लेना। और कितनी देर लगेगी वो? उसको लगाना होगा वही 30-35 मिनट 40 मिनट बस, खराब नहीं होगा। तीन तो या तो फिर करवा वाले दिन लगाए वही बाल धोई भी के लिए। हाँ चाहे तो तब लगा लो। आवाज धोती ध्यान ही नहीं रहो नहाया जल्दी भी और ना ही करो तो पानी नहीं रहे। आज मैंने पानी नहीं रहे तो बार बार तो पानी आ तो पानी आ रहा है तुम नहाओ गो रहा है तुम नहाओ रहा है कोई बात नहीं लिए वो तुमको भी सामान नहीं लेना है। और मिर्ची तुम्हारी देख रही हो मिर्ची बनी ठीक क्या है तो सब तो निकल गया इसका दूसरी बिंदी लगा हम नहीं इनको गोंद बढ़िया ऊपर की खराब हो गई है लेकिन गोंद इसका बहुत अच्छा है ले। अब कभी कभी मुझे लगता है मेरा बाल बड़ा होना चाहिए था, छोटा हो गया है बाल मेरे ज्यादा छोटा हो गया है ना इसीलिए अब लगता है कभी कभी बड़ा होना चाहिए। डरे डरे घूमते अलका जी भी गई है चिल्ला बनाने के लिए। भैया बोला है भैया चिल्ला बना देना तो अलका दी वहाँ किचन में देखो चिल्ला बना ली भाग क्या किल्ला। हाँ बिल्कुल खाओ। कौन बनाया है ये बताओ तुम डाली है मसाले या अलका दी डाली है? तब तो ठीक है देखना चाहिए ना कैसा किसका बनता है। हमारा तो उसे ठीक बनता है जब बनाते हैं तो हम नहीं खाएंगे अभी हमारा पेट भरा है। अभी यहाँ पे हो रही है मेरी वापस जाने की तैयारी तो वही मैं सारा सामान एक एक करके रख रही थी तो रीत मेरी हेल्प कर रही है। मैं मौसी में आपका सामान पैक करा देती हूँ। एक्चुअली पता है ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं आज ही जाऊँगी लेकिन जाना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पे पापा और श्वेता अकेले थे उन लोगों को भी घर जाना था त्यौहार आने वाला है आपको पता ही है तो उन लोगों को भी घर भेजना था मुझे और बाकी भी चीज़ें देखनी थी वहाँ पे घर पे काम चल रहा था तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से अभी जाना चाहिए मुझे तो मैं जा रही हूँ। बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने करवा चौथ कहाँ मनाई कि मैंने यहाँ मनाई या फिर मैंने लखनऊ मनाई जल्दी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैं जल्दी जल्दी से सामान रख रही हूँ और एक चीज़ के लिए भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इनको मतलब हमें यहाँ आए हुए 5-6 दिन हो गया था और गन्नू ने अपने पापा को नहीं देखा था और आपको पता है कि गन्नू बहुत अच्छे से रहा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब पहले दिन उसने हाँ ढूंढा था लेकिन उसके बाद से वो अच्छे से रह रहा था सब कुछ था लेकिन मैं वो पल देखना चाहती थी जब वो अपने पापा को देखेगा जाएगा भाग के क्या करेगा क्या नहीं करेगा। या मम्मी वही आके बैठ के बोल रही थी कहा है इतने सारे कपड़े तुम ले आती हो क्यों बैग भर के दो। मैंने कहा मम्मी क्या फ़र्क पड़ता है गाड़ी में भरना। पता है इनकी आदत ये चीज़ की बहुत अच्छी है आप जितना चाहो इनके साथ सामान लेके चल सकते हो ये कभी मना नहीं करते। बहुत सारे लोग चिल्लाने लगते हैं डांटने लगते हैं क्या करोगे इतने सामान का कैसे रखोगे लेकिन मेरे पापा का भाई आया हुआ है और ये इसकी अलमारी है यहीं पे ही इसके कपड़े जो होते हैं वहीं पे इस कमरे में ही रखे रहते हैं वही वो अपने कपड़े लेने आया था। कभी कभार पता है बिल्कुल सही रहता है कभी कभार उसका तो उसका जो माइंड है या उसका जो मूड है वो फ्लैक्चुएट होता रहता है तो दवा उसकी काफ़ी चली। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने दवा नहीं कराई तो उसकी बहुत ज़्यादा दवा चली है उसकी हमने जहाँ जहाँ आप लोग हमें नाम बताते हो ना हम हर जगह जा चुके हैं। फिर वो आप बालाजी का नाम ले लो हरिद्वार का ले मतलब कहीं का भी नाम ले लो हमने कोई कोना छोड़ा नहीं है तो आराम से पापा बताएंगे आपको किसी दिन मैं आपको अपने पापा से बात कराऊंगी तो वो बताएंगे। अभी यहाँ पे भैया का था कि मेरे को चिल्ला खाना है तो अलका दी चिल्ला बना रही थी और अभी सब लोग खा चुके थे तो मैंने कहा मैं सेक देती हूँ बाकी अलका दी कुछ और काम करने लगी थी बाकी को सेक के अलका दी ने दे दिया था तो बस वही चिल्ला सब लोग खा रहे हैं और काफ़ी अच्छा चिल्ला बनाया था अलका दी ने बिना प्याज डाले बनाया था लेकिन चिल्ला बहुत अच्छा बना था। मम्मी को भी चिल्ला बहुत पसंद आया था और यहाँ मैं घर पर सूट ही पहनती हूँ अच्छा लगता है सूट पर और यहाँ पर ठंडा काफ़ी बढ़ गया धीरे धीरे। और अभी ये है कि हाँ चिल्ला बन गया है भैया को दे दिया है भैया ने पेट भर के खा लिया है और बस उसके खाने के पता है उसको वैसे तो नहीं बात करता है लेकिन हाँ
खाने का उसका रहता है कि उसको खाने टाइम पर अगर दे दो तो थोड़ा सा सिचुएशन है ना कंट्रोल में रहती है, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा खाना टाइम पे दे दें। आज यहाँ पे ठंड नहीं है, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन जब यहाँ पे हम बैठे हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी उस दिन ठंड नहीं थी। तो गन्नों को मैंने हाफ टी शर्ट ऐसे ही पहना दी थी क्योंकि बिल्कुल भी उस दिन ठंड नहीं थी, ठंड क्या गर्मी थी क्योंकि दो दिन धूप बहुत तेज़ निकली है। तो चलिए अभी आ गए गन्नू के पापा और देखते हैं गन्नू का क्या रिएक्शन रहता है अपने डैडी से मिल के। एक्चुअली गन्नू को पता चल गया है कि डैड मतलब हम घूम ही जा रहे हैं, उससे बॉटल्स वगैरह रखी है, तब से उसने मुझे परेशान कर दिया है। और अभी ये हो रहा था कि दीदी भी साथ में चलती है, लेकिन इन बच्चों का एग्ज़ाम है 4 तारीख को और 2 तारीख को भी है शायद, तो इसलिए नहीं जा रहे हैं। अरे किसी को बाहर नहीं जाने देता जब उसको लगता है कि मेरे को बाहर जाना है। तो अभी ये आ रहे हैं और इसने मेरी आफत कर दी है, नहीं गए हैं अभी तो, इसने आफत कर दी जिसको हम कहते हैं ना आफत कर दी है, नहीं पापा 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 नहीं, घूमी चलो, बॉटल्स भर के आ गया है, सारे काम उसने कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है और हम जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, फिर आ जाएंगे। और बस लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, हार्दिक और रीत को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो सोच रही थी रीत चलेगी, लेकिन अब उनके एग्ज़ाम हमें याद ही नहीं था कि इनके एग्ज़ाम है, ये तो मैं सबको लेके जाती अभी 2 दिन, फिर हम 2 दिन खूब मस्ती करते हैं। वो देखो नाना नाना गन्नू याद करोगे कि नहीं करोगे, रात में किसी कौन करेगा, अभी किसी करा लो पापा, अभी किसी करा लो रात वाली, नाना किसी तो फिर हम चले। तुम बाल कटवा के आना, नहीं तो तुम्हारा मुंडन कराई दे हैप्पी। कहते नहीं नाना मैं कटवा लूंगा, सुनो कहते नाना मैं कटवा लूंगा, बात इधर देखो इनको कटवा के आना, हम नहीं तो तुम्हें मुंडन करा देंगे यहाँ। अच्छा किसी दे दो नाना, तो चले जल्दी किसी दे दो नाना, किसी दो हमें नहीं नाना किसी दे दो। हमारी गोदी आ जाओ, हाँ गोदी नाना नीचे उतार के ले चले। हमें ये रात में रोज जाता है, तब पापा को पहले जाएगा, पापा को हम कहेंगे नाना किसी देते, फिर चलेंगे छत पे, किसी देता है फिर चलता है, कह रहे चलो तो चलो हम जाएंगे बाहर, किसी को कहना मत जाओ, मेरा मुंडा तो इतने बदमाश हो, चलो खड़े हो चलो, कोई नहीं जाएगा। दीदी अंदर काम कर रही है मम्मी, और मैं इनको लेके यहाँ टहल रही हूँ, मेरे पेट में भी आज बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है क्योंकि डेट्स वगैरह आ गई है। अब्बा क्या हुआ? हाँ सब भैया लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, सब भैया लोग खेलते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, आइए उनको बुला रहे हो, तुम लोग आओ ना खेल लो, मतलब अभी टाइम है तो खेल लो। मामा उठा क्या है ना, आवाज आई आज, पता है 2 दिन से यहाँ गर्मी हो रही है, अदरवाइज तो बहुत ठंड हो रखी थी, लेकिन 2 दिन से इतनी गर्मी है कि पसीने आ जा रहे हैं। तैयार हो गन्नू? देखो इधर से ही आएंगे डैडी, हाँ इधर से ही आएंगे, ये देखो एक काऊ इधर आ गई है। एक्चुअली बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये गली बंद रहती है, ये हमारा घर है और बगल में फिर गली है, तो हमारे दोनों तरफ रोड है, तो हमारी दोनों तरफ हमें खिड़की दरवाजे सब कुछ मिले, हमारे यहाँ मतलब 3 दरवाजे हैं, और प्लस पॉइंट यही है कि हमारे यहाँ तीनों दरवाजे मतलब सही सही दिशा में है, कोई साउथ फेसिंग दरवाज़ा हमें नहीं पड़ा है, बिकॉज जो हमारा घर है ये उत्तर फेसिंग है, ये इधर हो गया पश्चिम, उधर हो गया पूरब। क्या 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 काऊ है बेटा? तो ये है हमारा घर और ऊपर वो हमारा कमरा बनाया जिसमें हम सोते हैं, बाकी छत खाली पड़ी हुई है, गद्दा देखो एक बाहर ही रह गया, इसे अंदर करना है इन लोगों को, ये हम तो जा रहे हैं। डैडी आ गए, डैडी आ गए, किसकी गाड़ी है, जाओ।
कौन है? रेडी? चलो चलो तुम जाओ, चलो बाय, चलो बाय, चलो जाओ, चलो बाय, जाओ बाय, बाय नहीं बाय बाय, समझने की कोशिश कर रहा है बाय, क्या ओके 40 किलोमीटर हाँ ये कल बता तो रहे थे, हम पूछे थे तुम्हारा हाल चाल, बता रहे थे कि हम हट जा मम्मी, पांच लोग खड़े थे लिस्ट कराने के लिए, एक सौ पॉजिटिव मिल गया, नहीं बैठेगा जब अगली बार करवा कह रहे और अगले बार, ये देखो ये ओरियो कौन लेके आया है, देख रही हो कहाँ ओरियो, इसको इतना पसंद है इसीलिए मेरे घर में, और लोगों को समझना है ओरियो क्यों आता है, मेरे घर में दो बच्चे हैं, एक वो छोटा बच्चा है, एक ये हमारा बड़ा बच्चा है, कहाँ गए आई नहीं, बाथरूम जाए क्या, कहाँ, अरे कहाँ वो देखो मम्मी कहाँ फंसा है, कहाँ फंसे हो, रोज बच्चा करती है तो उनका सब, अरे फंस जाओगे भैया, वो देखो मामा गए हैं आपके तो चलो अभी हम लोग चलते हैं, जा रहे मम्मी खिलाते हैं अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी आ जाएंगे दो तीन दिन बाद में, और गन्नू ने परमिशन दे दी है नाना को ले जाने के लिए, और किसी से प्यार नहीं, गन्नू को नाना से बहुत प्यार है, ऊपर थी आ रहे, अरे इनको लेके जा रहे थे लेकिन बच्चों के एग्जाम है इसलिए नहीं जा रहे, नहीं तो वरना दो दिन खूब मस्ती करते हम लोग वहाँ पे, बच्चों हाँ ऑनलाइन वाले एग्जाम है, हाँ अभी ये देखो वहाँ एग्जाम दे लेते हैं।